Welcome to the class of business studies, and I am here back with another topic of unit 5. This is your decentralization. In last session, I told you about delegation, what it is. Now, decentralization, if you see, both the concepts have the same meaning, but somewhere decentralization has more freedom. इन गिविंग द अथॉरिटीज टू द सब ऑर्डिनेट डिसेंट्रलाइजेशन में आपको लगेगा कि यहाँ पर फ्रीडम ज़्यादा दी जाती है सब ऑर्डिनेट्स को सुपीरियर्स को ताकि वो उस अथॉरिटी को उस पावर को अच्छे से एक्सरसाइज कर कर सकें डेलीगेशन में इतनी पावर्स नहीं दी जाती सो डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस वी आर गोइंग टू नो इन दिस सेशन एंड आई होप यू ऑल गोइंग टू पे अटेंशन टूवर्ड्स दिस so don't skip any line start with me what actually this decentralization means देखिए स्टूडेंट्स पहले हमारे पास एक कांसेप्ट था सेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता था कि सारी पावर्स सेंटर के पास होना ओके okay, जो भी हमारा सेंटर है उसके पास सारी की सारी पावर्स हों जो भी हमारे ऑनर्स हैं डिसीजन मेकर्स हैं टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उन्हीं के पास सारी पावर्स लेने का अधिकार था और वो उन पावर्स से ड्यूटीज़ देते थे सब को सब को सिर्फ कुछ ड्यूटीज दी जाती थी या ऑर्डर्स दिए जाते थे जो कि टॉप लेवल देता था किसको लोअर लेवल को ये होता था सेंट्रलाइजेशन मीन सारी पावर्स लेने का हक सिर्फ़ एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के पास इसी का ही ऑपोजिट कंसेप्ट आया डी सेंट्रलाइजेशन डी सेंट्रलाइजेशन एज आई सेड इट्स द अपोजिट मीनिंग मीन्स नॉट कीपिंग ऑल द पावर्स टू वन ग्रुप ऑफ पीपल जस्ट लाइक टॉप लेवल के पास ही सारी पावर्स हो नहीं डिसट्रलाइजेशन का मतलब है कि कुछ पावर्स भी पास कर देना टू द लोअर लेवल कि सारे आप खुद से ही डिसीजन ना लो आप वो डिसीजन लेने का हक दूसरे ग्रुप को या जो आपसे लोअर लेवल पर है उनको दो वो डिसीजंस भी खुद लें उनके लिए रिस्पॉन्सिबल भी खुद हो सिर्फ वो आपको रिजल्ट ला कर दें ये था डिसेंट्रलाइजेशन सो लेट्स स्टार्ट दैट दिस इट मीन्स द डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी अथॉरिटी का डिस्पर्जन होना अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होना अथॉरिटी को Dis, uh, मतलब जो भी आपके पास पावर है उसको बांटना है ना डिस्पर्स का मतलब क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट करना सो दिस मीन्स डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन को सारी की सारी पावर्स बांटना नाउ इट ऑल्सो रेफर्स टू व्हाट इट रेफर्स टू सिस्टमैटिक एफर्ट्स एक सिस्टमैटिकली जब आप सिस्टमैटिक एफर्ट्स टू डेलीगेट टू द लोवेस्ट लेवल लोवेस्ट लेवल को जब आप सारी की सारी अथॉरिटीज़ एक सिस्टमैटिक वे से देते हो एक्सेप्ट सिर्फ वो पावर्स नहीं विच कैन बी एक्सरसाइज एट डैश पॉइंट्स एट सेंट्रल पॉइंट्स सिर्फ सेंट्रल लेवल पर ही वो जो पावर्स हैं उसको एक्सरसाइज करना जो कि मतलब बहुत ही मेजर डिसीजन है लाइक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है मेजर काइंड ऑफ डिसीजनस को सिर्फ सेंटर में लिया जा सकता है बाकी सारी पावर्स जो कि आपको काम वर्कर से ही करवाना है वो पावर भी उन्हें ही दे दो ताकि वो उस काम को एक ऐसे तरीके से करें भैया ये ड्यूटी भी हमें मिल गई ये पावर भी हमारे पास है हमें इस काम को करने का पैसा भी मिल गया तो ये काम अब हमें करके देना मतलब वो उस काम के खुद को सरताज समझे उस काम को काम उस काम को पूरा करने का मतलब उनको ये हो कि किसी के लोअर लेवल हम नीचे रहकर काम नहीं कर रहे ये काम हमारा ही है दिस वर्क इज़ लाइक देयर ओके सो दैट वॉट इट्स मीन इट मीन्स डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन

एंड टू द लोअर लेव मिडल और लोअर लेवल में ही दी जाती है क्योंकि टॉप लेवल तो डिसीजन मेकर है काम कौन करता है मिडल या लोअर लेवल तो यहाँ पर फिर आप अथॉरिटी भी उन्हें ही दे देते हो एंड अथॉरिटी ऑफ मेजर डिसीजन्स मीन्स जो मेजर डिसीजन्स हैं जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है जिनका सिर्फ ध्यान टॉप लेवल ही रख सकती है आर लेफ्ट विद विच लेवल टॉप मैनेजमेंट के पास वो डिसीजन लेने का हक रह जाता है बाकी सब काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है टू द लोअर लेवल राइट डेलीगेशन में क्या था कि सिर्फ मैनेजर अपना काम एक स्मॉल वर्कर को देता है उसमें वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है अथॉरिटी मेजर दिस मैनेजर के पास ही रहती है रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है सुपीरियर सॉरी सबऑर्डिनेट या वर्कर के पास वो उस काम करने के बाद अकाउंटेबल भी रहता है बट डिसेंट्रलाइजेशन uh, uh, में ऐसा नहीं है यहां पर आपने अथॉरिटी भी दे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी और आंसरेबिलिटी भी दे दी ऑल राइट नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्रलाइजेशन देखिए स्टूडेंट्स अब आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है अब आप देखिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी आप इंपॉर्टेंस खुद से भी फ्रेम कर सकते हो सो लेट स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट दैट इज

सो दैट्स वाई देर इज़ अ क्विक डिसीजन मेकिंग नेक्स्ट इज रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट जो टॉप मैनेजमेंट है जिसको सारा काम खुद करना था डिसीजन्स भी लेने हैं देन कुछ काम जो वर्कर से करवाना है वो भी चेक करना है देन अकाउंटेबिलिटी उनकी रिपोर्ट भी लेनी है फिर रिपोर्ट को मैच करने की है, उन्होंने टारगेट्स अचीव किए क्या नहीं तो इससे क्या था टॉप मैनेजमेंट जो थी दैट वे आर अ लॉट ऑफ प्रेशर

प्रेशर uh, को अब कम करके कहाँ पर यूज यूटिलाइज कर सकते हैं जो बेनिफिशियल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसे डिसीजंस लेने में अदरवाइज क्या होता था टॉप लेवल मैनेजमेंट सारे काम का बर्डन फेस करती रहती थी तो वो ग्रो करने में भी बहुत लेट हो जाते थे ग्रोथ के जो डिसीजंस हैं उनको सही तरीके से नहीं ले पाते थे ओके द नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक सिस्टम डेमोक्रेसी क्या कहती है

उनको ये लगता था कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन की फैमिली है बिकॉज़ उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो मैटर करती है उनको भी काम करने की पावर दी गई उनको भी डिसीजंस लेने की एक पावर दी गई कि आप डिसीजंस लीजिए आप ये काम कर करिए आपको हमने खुली पावर दी है खुली अथॉरिटी दे दी दैट इज डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑल राइट देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज़ इंसेंटिव टू वर्कर्स वर्कर्स को एक इंसेंटिव मिला दे फील मोटिवेटेड दे फील लाइक अ लीडर इन अ मैनेजमेंट हाउ वाइल वर्किंग लाइक अ फैमिली लाइक अ यू नो इंडिविजुअल ऑफ एनी ग्रुप कि आपका काम भी महत्व रखेगा आपकी बात भी महत्व रखेगी जो आप डिसीजन ले लोगे लो, लो वो भी महत्व रखता है तो उस इससे क्या होता है दे फील लाइक देर इज़ एन इंसेंटिव फॉर देम दे फील रिकोगनीशन उनको एक मेंटली स्टेबिलिटी मिलती है मेंटली सेटिस्फैक्शन मिलती है दैट इज़ अ गुड पॉइंट फ्रॉम बिहाफ ऑफ द वर्कर्स नेक्स्ट इज देर इज़ फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ येस ऑटोमेटिकली इफ़ देर इज डिसेंट्रलाइजेशन जहाँ पर एक काम सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का ना हो और वो उस काम को डिवाइड कर दे अमंग द मिडल लेवल लोअर लेवल वर्कर लेवल तो वहाँ पर क्या होगा देर इज रिलीव इन देर दिस

एज आई सेड वर्कलोड हर किसी का रिड्यूज़ होगा हाउ जो टाइम टॉप लेवल मैनेजमेंट एक काम करने में लगा देती थी अब वो काम क्या होगा मिडल और लोअर लेवल करेंगे तो वहाँ पर टॉप मैनेजमेंट के पास टाइम भी बच गया और वो वहाँ पर मेजर डिसीजनस लेने में उस टाइम को कंज्यूम करेंगे तो रिडक्शन ऑफ इन वर्क लोड इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन विच लीड्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट all right so that is about decentralization very very important concept their importance is also very important if you see from examination point of view don't get confused in delegation and decentralization both are different concept i have made separate sessions on both these abhi we are confusing you can previous go to the last session that is delegation okay and you will get a complete idea about that till then keep watching keep sharing